नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में रीवा की विभूति शामिल। रीवा के कन्या महाविद्यालय में 50x80 का मेडिसिन पोर्टल तैयार किया 2 दिन में विभूति ने, जिसके लिए उसने 6000 सैनिटरी नैपकिन, 10000 आयरन और कैल्शियम की गोलियां का इस्तेमाल, स्ट्रिप का इस्तेमाल किया, साथ ही 20000 मल्टी विटामिन की स्ट्रिप का भी उन्होंने इसमें इस्तेमाल किया। अब उनकी नजर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में रीवा की विभूति शामिल। रीवा के कन्या महाविद्यालय में विभूति ने 50x80 फुट का मेडिसिन पोर्टल तैयार किया, वह भी सैनिटरी नैपकिन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन के स्ट्रिप के साथ। इस मौके पर कलेक्टर रीवा सहित रीवा शहर के विभिन्न स्कूल की लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां सहित GDC कॉलेज के टीचर भी मौजूद रहे। अपने आप में कुपोषण दूर करने, सैनिटरी नैपकिन जैसी चीज़ों को जरूरी बगैर झिझक के मांगने के लिए जन अभियान चलाने की बात करने वाली विभूति का यह प्रयास काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ, खास तौर से उनके लिए, उन बच्चियों के लिए जो अभी तक सैनिटरी पैड मांगने में दुकानदार से संकोच किया करती थी। अपने आप में विभूति का यह प्रयास कई लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी साबित होगा। विभूति का अगला कदम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना तो है ही, साथ ही उन लड़कियों के लिए काम करना है जो स्लम एरिया में रहती हैं, ऐसी जगह पर जहां उन्हें यह चीज़ें नहीं मिलती। यह सारी सैनिटरी पैड, आयरन, कैल्शियम, विटामिन की गोलियां उन्हें के बीच में जाकर बांटेंगे, कुछ ऐसा कहना है विभूति का। हमारी टीम ने विभूति से बात की, उनका साफ तौर से कहना था, जिस तरीके से हम बाजार जाकर अपने घर परिवार के लोगों से सामान की फरमाइश करते हैं, ठीक उसी तरीके से घर की लड़कियां भी अपने पिता, अपने भाई से सैनिटरी पैड लाने के लिए कह सकें, ये मेरा उद्देश्य है। विभूति ने 50x80 फुट का मेडिसिन पोर्ट्रेट तैयार किया। इसे बनाने में उन्हें 2 दिन का वक्त लगा। इसके निर्माण में, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सैनिटरी नैपकिन, कैल्शियम, आयरन व विटामिन टैबलेट का उपयोग किया गया है। छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन की उपयोगिता के साथ साथ कुपोषण जैसे गंभीर विषय पर जागृत करना उनका उद्देश्य है। इस प्रोटेक्ट के प्रयोग में की गई सारी दवाइयां व नैपकिन उन्हें वितरित कर देंगी जिन्हें इनकी वाकई में जरूरत है। सैनिटरी नैपकिन कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स के साथ तैयार किया गया यह पोर्ट्रेट भारत बल्कि एशिया में भी माना जा सकता है काफ़ी बड़ा है, ऐसा विभूति का कहना है। उनके इस काम में नीरज विश्वकर्मा ने सहयोग किया और विकास वर्मा ने। अब इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया जा चुका है। विभूति का अगला कदम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना है। इस मेडिसिनल पोर्ट्रेट में, जो एशिया का सबसे बड़ा माना जा रहा है, पोर्ट्रेट में लगभग 6000 सैनिटरी नैपकिन, 10000 आयरन कैल्शियम की गोलियां, 20000 मल्टीविटामिन गोलियों के स्क्रिप्ट लगाए गए हैं, जिन्हें जल्दी शहर के कलेक्टर के निर्देशन में उन स्लम बस्तियों में बांटा जाएगा। सुनिए विभूति क्या कुछ कह रही हैं। एनीमिया और पीरियड्स को लेकर के ये मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, इंडियन रिकॉर्ड है सॉरी, और इसको लिम्का बुक्स में भी भेजा है मैंने। देखते हैं अब उनकी तरफ से कितनी जल्दी रिकॉर्ड बन के आ जाता है। ये 4000 स्क्वायर फीट का पोर्ट्रेट बनाया मैंने, जो कि आयरन, कैल्शियम और विटामिन की दवाइयों से बना है, और साथ ही सैनिटरी पैड का यूज हुआ है। रिकॉर्ड बनने के तुरंत बाद मैं 20+ स्कूल्स में खुद जाऊंगी, अवेयरनेस फैलाऊंगी, अवेयर करूंगी बच्चियों को कि एनीमिया कैसे आप तक ना पहुंचे और पीरियड्स को हाइजीन कैसे मेंटेन करके रखा जा सकता है। हैप्पी पीरियड्स एवरीवन, थैंक यू। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।